वो देखिए मछली डाल के ये कहां बैठ चिना होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज दिन है संडे और आज तो बहुत ही मस्ती वाला डे है क्योंकि इनकी छुट्टी रहती है तो ये फ्री रहते हैं, तो साथ में हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। अकेले कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो सुबह सुबह देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं कैसी लग रही हूं, और मैं अक्सर इनकी चीज़ें चुरा चुरा के पहन लेती हूँ। फ्रेंड्स अगर किसी को पता होगा कि ये शर्ट किसका है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। ये शर्ट है इनका जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने ट्राई किया है कि देखूं पहन के कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है, चलिए मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो रुकिए फ्रेंड्स मैं पूरा दिखाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स ये शर्ट इनकी है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस तो देख सकते हैं अभी मेरा ड्रेस चेंज हो गया है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। और अभी मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके नहीं बताएंगे मुझे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, है ना, लग रही हूँ ना अच्छी। लोग आ गए हैं जिम में और इनका फिटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं इनका हालत कैसे हो गया है। तो फाइनली जिम में मैं इनको लेके आ गई हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, जा रहे हैं अंदर जिम के। तो फाइनली ये आ गए हैं जिम में और इनका वेट लग रहा है कि अब थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। क्या कहते हो? देखो तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, पता नहीं जिम का नाम मुझे पता नहीं है क्या है, फिटनेस प्लान। यस, देखते हैं क्या होता है। शादी के पहले ये इतने फिट थे ना, वही फोटो देख के मैं हाँ कर दी कि हाँ इस लड़के से मैं शादी कर लूँगी। लेकिन अभी ये देखिए फ्रेंड्स खा के कैसे अपनी हालत कर लिए हैं, पता नहीं कब तक ठीक होंगे। आई होप ये जल्दी ठीक हो जाए। और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। वैसे जिम करने से तो कोई जिम करते रहे और खूब खाते रहे, बोलो कंट्रोल करोगे ना? हाँ, क्या शपथ ले रहे हो? पक्का? देखती हूँ। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। अगर एक मंथ में इनका वेट कम हो गया तो सही है, अगर नहीं हुआ तो मैं इनको छोड़ के चली जाऊंगी। गुड। नहीं 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 नहीं, ये जोक है बस। तो अभी हम लोग जाएंगे कुछ, क्या खाएंगे फिर? खाने क्या? तो ऑयली तो नहीं खाना होगा ना अभी तो? हाँ, क्या खाओगे? और खाने वाने का क्या क्या खाएंगे? ये ऑयली तो बिल्कुल नहीं खाना होगा ना? वन वीक नॉर्मली वर्कआउट करेंगे, उसके बाद डाइट देंगे। अच्छा, सुन लिए ना, डायरेक्टली डाइट देंगे तो स्टार्ट ही नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा फूडी है। कोई बात नहीं, सुन लिए ना, अभी सब कंट्रोल करना पड़ेगा। रेडी हो ना तुम? हाँ, पक्का? तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम थोड़ी देर में। फ्रेंड्स जिम से हम लोग बाहर आ गए हैं और अभी जा रही हूँ मैं अपना चूड़ी लेने क्योंकि तीज के टाइम, तीज परसों है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, तीज परसों है तो चूड़ी लेना तो जरूरी है फ्रेंड्स। तो मैं दो दिन पहले आई थी तो मुझे बिल्कुल चूड़ी नहीं मिला, तो मैं वेट कर रही थी कि कब संडे आए तो मैं इनके साथ जाके चूड़ी खरीदूँ। तो चूड़ी लूँगी और कुछ छोटे मोटे दो तीन सामान हैं वो मैं लूँगी, उसके बाद मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। अच्छा लगेगा।
हेलो गाइस, तो हम लोग आ गए हैं जिम से, देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं आके अपना मुंह धो ली हूँ, बहुत मेकअप घर में, मुझे मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं एकदम सिंपल रहती हूँ घर में। तो अभी हम लोग बना रहे हैं आज मछली, और आधे मछली का हम बनाएंगे मछली फ्राई और आधे का बनाएंगे हम ग्रेवी वाले। तो चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मछली को हम मैरिनेट करेंगे। तो देखते आइए, आइए देखते चलिए। आज आखिरी दिन है खाना पीने का, और मछली तो दिखाओ तुम्हारे फैंस को। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है हमारा मछली, खुनी मछली। पानी इसमें मत मिलाना। इस टाइप का मछली है, इसको रोहू फिश बोलते हैं। और एक मछली का आंख रख दिया गया है ताकि प्रिया जब भी खाएगी तो उसको याद रहेगा तो मछली खाई है। हाँ लो, ऐसे टेढ़ा रखो ना, इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके छोड़ना पड़ेगा। तो रहने देते हैं, डायरेक्ट इसको फ्राई करके ग्रेवी वाले बनाते हैं। डन। ये जैसे कि थक गई है बहुत ज्यादा, दिखाओगे अपना चेहरा कैसा थक गई। देखिए ऐसे थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके सो जाऊँ। तो कुछ नहीं करेंगे हम, मछली को सिर्फ नॉर्मल फ्राई करेंगे। ये मछली सिर्फ बिल्ली के डिमांड पे है, बिल्ली कई दिन से बोल रही थी मछली खाना है, मछली खाना है, मेरा फेवरेट खाना है। तो क्योंकि वो घर की अहम हिस्सा है अभी, तो उसकी पसंद का आज मछली बना है। यस, वो बोल रही थी चूहा भी अच्छा लगता है लेकिन मछली उसको प्रिय है। सुनो, हाँ तो देखते हैं प्रिया मछली। लहसुन छील लोगे? हाँ लहसुन हम छील लेंगे कि फ्राई करोगे, ये बताओ। फ्राई कर देंगे लहसुन। तुम फ्राई करो मछली, वो आप लहसुन छील। हाँ तेल डालो, देखना मेरा मोटापा। और ये कुछ ही दिन में ख़त्म होने वाला है। कल जिम में घुसा, ऐसे नाश्ते किया, बाहर आया इनमें पतला हो गया। हम लोग यही प्लान करके गए थे, हमको वो अच्छा खासा समझाया है आधा घंटा कैसे पतला कर देगा हमको, वो भी सिर्फ 2 महीना में। 2 महीने में फ्रेंड्स सोचिए। और जिम बहुत ही अच्छा है, वो रेटिंग तो उसकी बहुत अच्छी आ रही है, अभी देखते हैं क्या होता है। वैसे अभी तो ये आज लास्ट है हम लोगों का नॉनवेज खाना, नॉनवेज नहीं बोल सकते हैं, जैसे कि जितने भी ऑयली खाना होंगे वो सब आज से बंद। अब से हमको कोई मोटुआ नहीं बोलती, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ही ये प्लानिंग हो रहा है पतला होने का। हाँ फ्रेंड्स, लहसुन का पेस्ट बना रहा हूँ, बहुत अदरक भी है, अदरक भी थोड़ा काट के दोनों का पेस्ट बना। अदरक को लहसुन का नहीं बना रहे हैं यार, मसाला पीस रहे हैं। ये तड़कता भड़कता सुनने मिलता है जब कुछ उत्पटांग बोलो तो, यार बोल के कुछ भी बोलते हैं, मैं इसका यार थोड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लहसुन छील रही हूँ, इसका मसाला बस, अरे पानी मिल गया, अब खूब उड़ेगा, इसीलिए हम टेढ़ा रखे हुए थे। वो देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, खतरों के खिलाड़ी कैसे डाला जा रहा है। आज मछली बना देंगे, ऑयल भी उड़ रहा है, भी उड़ रहा है, आराम से डाल। देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स देख लीजिए कैसे भाग रहा है। सब सुविधा ऐसा मछली बना देना, ऐसा मछली बना देना।
हाँ कर देंगे, किसी ने सोची ना होगी। यो प्रिया, थारी बीवी प्रिया, ऐसा मछली बना दूंगी, ऐसा मछली बना, किसी ने सोची ना होगी। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे पलट रहे हैं मछली को। पूरा एकदम लाल लाल कर देना, ग्रेवी में जाता है ना वही एकदम लिगुल लिगुल करता है। किसी ने सोची ना होगी, वो तो मेरा ये जो साल छूट गया, नहीं तो पे मेरा फ्राई हो गया है और उधर मैं रख दी हूँ चावल। तो अभी हम जा रहे हैं मछली को बनाने। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे तड़के में मैं डाली हूँ जीरा और खड़ा थोड़ा सा सरसों है, और यहाँ पे मैंने मसाला पीस के रखा हुआ है। इसमें डाली हूँ मैं लहसुन, सूखी मिर्ची 3-4 है, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और सरसों। तो इसे हम डाल देंगे अब ऑयल में। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे मसाले में, ताकि मसाला हमारा अच्छे से कढ़ाई में निकल जाए। तो इसे हमें सावधानी पूर्वक डालना है ताकि ये मुंह पे ना आए मसाले। तो मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक किनारे किनारे से हमारा ऑयल ना छोड़ने लगे। यही मसाले में हम डालेंगे कटा हुआ टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मसाले को पकाना है। और यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा नमक, क्योंकि मछली डालने के बाद हमें अंदाज नहीं आएंगे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं। फाइनली हमारा मछली बनके हो गया है रेडी, और हम लोग जा रहे हैं अभी दोपहर का खाना खाने। तो खाना खाने के बाद मिलते हैं हम थोड़ी देर में। अभी हम लोग आ गए हैं बाहर थोड़ा टहलने के लिए इवनिंग वॉक पे, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है। मैं बैक करते हैं फ्रेंड्स, ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, एक लाइन से सिर्फ ये पता नहीं किस चीज़ का नारियल का पेड़ है, क्या खूबसूरत व्यू है यार। देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसा लग रहा है, बहुत खूबसूरत ना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगता है शाम में निकलने में, मतलब एकदम से मूड फ्रेश हो जाता है। और इतनी अच्छी हवाएं यहाँ चलती है ना, एकदम फ्रेश हवा, क्योंकि इस साइड ज़्यादा गाड़ी चलते नहीं है तो पॉल्यूशन मिलता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है, बहुत ही ज़्यादा। हो गया अंधेरा क्योंकि लाइट देखिए फ्रेंड्स पीछे है, यहाँ लाइट नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ये, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स क्या व्यू है, मस्त वाले, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे प्यारी चीज़ मुझे लग रही है ना, तो वो ये लाइन से जो नारियल के पेड़ है, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वो जो आसमान में रेड 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 थोड़े जो दिख रहे हैं, वो तो मैं बता ही नहीं सकती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत सा मौसम है, ऑसम वाले। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।